युधित अपने सिर पर राख डाली, अपने वस्त्र उतार कर मात्र टाट ओढ़े मुंह के बल गिर पड़ी। जब यरूशलेम के प्रभु के मंदिर में उस दिन संध्या की धूप चढ़ाई जा रही थी, ठीक उसी समय युधित ने उच्च स्वर में प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु मेरे पूर्वज सिमोन के ईश्वर, तूने उसके हाथ में तलवार दी थी जिससे वो उन विजातियों से बदला ले जिन्होंने एक कन्या को दूषित और अपमानित करने के लिए उसका कमरबंद खोला था और उसके वस्त्र खोलकर उसका शील भंग किया, और ये उन्होंने तेरे मना करने पर किया था, इसलिए तूने उनके नेताओं को वध के लिए छोड़ दिया और उनकी उस शैया को रक्त से सींचा जिस पर उन्होंने ये निंदनीय कार्य किया था। तूने दासों के साथ शासकों को और शासकों को उनकी गद्दियों पर मारा। तूने उनकी पत्नियों को लुटने के लिए और उनकी पुत्रियों को बंदी बनने के लिए छोड़ दिया, और तूने उनकी संपत्ति अपने उन प्रिय संतानों को दे दी जिनमें तेरे लिए बड़ा उत्साह था, जो अपने रक्त के दूषण से दुखी थे और जिन्होंने तेरी सहायता मांगी थी। ईश्वर, मेरे ईश्वर, मुझ विधवा की प्रार्थना स्वीकार कर। पहले जो हुआ था और बाद में जो हुआ, ये सब तेरा ही कार्य है। तूने वर्तमान और भविष्य की योजना की। तू जिन घटनाओं की योजना करता है वे पूरी हो जाती हैं। वे तेरे सामने आकर कहती है, देख हम प्रस्तुत हैं, तेरे सभी मार्ग प्रशस्त हैं और तू पूर्व ज्ञान के आधार पर निर्णय करता है। असूरियों की सेना कितनी विशाल है, उन्हें अपने घोड़ों और घुड़सवारों पर अभिमान है। वे अपने पैदल सैनिकों पर घमंड करते हैं, उन्हें ढाल भाले तीर और गोफन का भरोसा है। वे यह नहीं जानते कि तू वो प्रभु है जो युद्ध समाप्त करता है। तेरा नाम प्रभु है, शाश्वत ईश्वर। उनके सामर्थ्य का विनाश कर, अपने बाहुबल से उनकी सेना तितर बितर कर और क्रुद्ध होकर उनका साहस तोड़ दे, क्योंकि उन्होंने तेरे पवित्र स्थान को दूषित करने का, तेरे महिमामय नाम का निवास अपवित्र करने का और तेरी वेदी के कंगूरों को लोहे से काटने का निश्चय किया है। उनका अहंकार देख और उनके सिरों पर अपना क्रोध प्रकट कर। मुझ विधवा को वो महान कार्य संपन्न करने की शक्ति दे जिसकी योजना मैंने अपने मन में बनाई है। मेरे कपटपूर्ण शब्दों द्वारा दास के साथ स्वामी को और स्वामी के साथ दास को मार गिरा। विधवा के हाथ से उनका घमंड तोड़। तेरी शक्ति ना तो विशाल संख्या पर निर्भर है और ना तेरा सामर्थ्य शूरवीरों पर। तू दीनहीन लोगों का ईश्वर है, दलितों का सहायक, बलहीनों का रक्षक, उपेक्षितों का संरक्षक और निराश जनों का उद्धारक है। हाँ, मेरे पिता के ईश्वर, इज़राइल के दायभाग के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, समुद्रों के सृष्टिकर्ता, समस्त सृष्टि के अधीश्वर, तू मेरी प्रार्थना सुन। तू मेरे कपटपूर्ण शब्दों द्वारा उन लोगों पर प्रहार कर जिन्होंने तेरे विधान, तेरे पवित्र मंदिर, सियोन पर्वत और तेरी प्रजा के निवास के विरुद्ध कुचक्र रचा है। अपनी सारी प्रजा, अपने सभी वंशों पर यह प्रकट कर कि तू समस्त सामर्थ्य और बल का ईश्वर है और तेरे सिवा इज़राइली जाति का कोई अन्य रक्षक नहीं।